हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1, जो है डेवलपमेंट। आई होप आपने इसकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5th और 6th, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। शुरू करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया से। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि पीसीआई को किस तरह मेजर किया जाता है, या एक कंट्री की इनकम से जो है वो किस तरह पता लगाया जाता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। अदर क्राइटेरिया मतलब बाकी सारी चीज़ें जिनकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए, या फिर हेल्थ केयर को मेजर किया जाता है, या फिर जॉब सिक्योरिटी को, एम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाता है, तो ये सब चीज़ें किस तरह हम मीजर करते हैं। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, इनकी फुल फॉर्म जो है ये ब्रैकेट में आगे दी हुई है। ये वन वर्ड आंसर में बहुत सी बार आ जाती है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं ये सभी टर्म्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले IMR। IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। मतलब ये पता लगाना कि उस पर्टिकुलर ईयर में, यानी जिस साल की हम बात कर रहे हैं, उसमें 1000 बर्थ रेट पर, यानी अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो कितने उनमें से एक साल की एज के अंदर अंदर मर गए। यानी अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि उस कंट्री में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, और अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है वो कम है तो दैट मीन्स वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट है आपका NAR, नेट अटेंडेंस रेशो, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 9 and 10 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी इस एज ग्रुप के 9 से 10 एज ग्रुप के कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, या कितने बच्चे जो हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद अपनी एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, उसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। अगर नेट अटेंडेंस रेशो जो है वो किसी कंट्री का ज़्यादा है तो दैट मीन्स वहाँ पे एजुकेशन एक्सेस जो है या एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं। दूसरा है लिटरेसी रेट, यानी 7 साल और उससे बड़े बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख सकते हैं या नहीं, इसको लिटरेसी रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है PDS, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आता है प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अनअडल्ट्रेट मेडिसिन और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। यानी इसमें बाकी सारी ऊपर वाली जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं ये सब भी कंसिडर की जाती हैं। यानी एक सिटीज़न को अच्छा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है या नहीं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। और लास्ट है आपका BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। वैसे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी समझ लीजिए BMI को कैसे मेजर किया जाता है। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी एक इंसान की वेट को उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। वेट जो है वो केजीज में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए। तो अगर 18.5 से कम आता है आपका आंसर, दैट मींस कि आप अंडर नरिशमेंट हो, यानी कुपोषण का शिकार हो। और अगर 25 यानी 25 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा खाते हो। लेकिन अगर 18.5 और 25 के बीच में आता है तो दैट मीन्स आप नॉर्मल हो। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि आपकी कंट्री में लोगों की हेल्थ जो है वो कैसी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे SDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब SDI क्या होता है? SDI हमेशा निकाला जाता है UNDP के ज़रिए, जो महबूबुल हक और अमर्त्या सेन ने मिलकर कंसिडर किया था। इसमें सबसे ज़रूरी जो स्टैटिस्टिक्स थी शुरू में वो पहले 3 थी। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। जैसे हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में नॉर्मल लोगों की लाइफ है 60 से 65 तक, यानी 50, 60, 65 के अराउंड लोगों की ज़िंदगी है, यानी इतने तक आके लोग ऊपर वाले से जा मिलते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 70 से 80 क्रॉस्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो है वो हम अपने सिटीजन्स को कैसी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ती है तो दैट मीन्स कि हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरा है एजुकेशन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और दूसरा है पर कैपिटा इनकम, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके,
उसके बाद 2010 में इसको दोबारा से एडजस्ट किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई, यानी चीज़ें वही सेम थी लेकिन इनका जो पैरामीटर है वो बढ़ा दिया गया, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ लॉन्ग विद प्रॉपर हेल्थ, यानी ऐसा नहीं कि आप मर मर के 70 साल निकाल के गए तो मतलब आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी थी या फिर आपकी कंट्री जो है वो बहुत डेवलप्ड है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी बच्चे जो है वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर जो एजुकेशन था वो सिर्फ लिटरेसी रेट से था, यानी जो 7 या उससे अबव ईयर के बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ पर स्कूलिंग से मतलब है आपकी प्रॉपर स्कूलिंग। पर कैपिटा इनकम मतलब अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोगों के पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती है या नहीं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी तरह से प्रोवाइड है या नहीं, उनको जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। अब इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा डेवलपमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ों को ना याद रख के बस 3-4 चीज़ें जो हैं वो बार 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 रिपीट होती रहेंगी। वही बात कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के साथ साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर लाइफ क्वालिटी और बेटर एजुकेशन, ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत जल्दी बहुत डेवलप कर सकते हैं लेकिन हमें अपने डेवलपमेंट को सस्टेन रखना है और मेंटेन रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं कि आपके पास आज है इतना सारा कोयला और आप इसको पूरा ही आज जला दें तो आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि कोयले जैसी भी कोई चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हमारी फ्लोरा और फौना दोनों को ही प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम भी करना और उसके कुछ बेहतर अल्टरनेट ढूंढना। ऐसा ना हो कि आज हम इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा दें कि आने वाली हमारी जनरेशन के लिए जो है वो सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, यानी जिस पर हम कल्टिवेशन करते हैं, जो हमारी उपजाऊ ज़मीनें हैं उनकी फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना, कि आने वाली जनरेशन भी जो है उसको भी पता रहे कि फार्मिंग क्या चीज़ होती है, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मशीन से बनी चीज़ों पर ही निर्भर करने लगे। यानी इस सब से हम बस यही कहना चाहते थे कि हमें अपने साथ साथ आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखना है, और हमारी जो सेकेंड हाफ है 20th सेंचुरी की, बहुत सारे साइंटिस्ट इसी दुविधा में लगे हुए कि जिस तरह हम आज अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, नेचर को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमारा ये डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी ये डेवलपमेंट जो है वो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हमें अपने डेवलपमेंट को सस्टेन रखना चाहिए। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं एक तरह की, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये आप बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस बाय नेचर प्रोसेस एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी ये दोबारा आ सकती हैं नेचुरल तौर पर और बहुत ही छोटे पीरियड में भी। ओके, नेक्स्ट है दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड और यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी इनको रीयूज्ड भी किया जा सकता है, रिसाइकिल भी किया जा सकता है और इनको एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेस नहीं की जा सकती, या अगर इनको रिप्लेस किया जाएगा या अगर ये ख़त्म हो गई तो इनको दोबारा बनने में जो है वो बहुत साल लगता है, जैसे कोयला और तेल, इनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, ये एक बार अगर इस्तेमाल हो गई तो बूम यानी ख़त्म। ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करती हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल। लेकिन इनका एक फ़ायदा तो होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं ये लो अमाउंट ऑफ एनर्जी देती हैं। आई होप आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कीजिए तो पूरा लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।